नमस्कार, मैं प्रीतम मैती आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरा चैनल फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप को लेके, यानी कि हम लोग स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, मेट्रो स्टेशन कहीं पर भी जाते, इंडस्ट्री में विजिट करते, देखते कि फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर रखा हुआ है। उसी फायर एक्सटिंग्विशर का कितना टाइप होते हैं और कौन से क्लास के फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग यूज करते हैं, उसी को लेके इस वीडियो है। तो प्लीज एक बार जरूर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर का जो वीडियो मेरा चैनल में है उसको एक बार देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि उसी को देख के आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज पे फायर लगने पे कौन सा क्लास की फायर होते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर अगर आप जान गए तो एक्सटिंग्विशर को यूज करना, यानी कि कौन सा फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर चाहिए, ये आपको अच्छे से पता हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर को यूज करना है। तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई फायर और सेफ्टी का प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल और केस स्टडी रिलेटेड वीडियो मेरा चैनल में लेते आओ, आप लोग वो देख पाए। चलिए आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो है फाइव टाइप्स का। पहला है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर जिसका कलर कोड है रेड। दूसरा है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जिसका कलर कोड है क्रीम। तीसरा है CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर जिसका कलर कोड है ब्लैक। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर जिसका कलर कोड है ब्लू। और लास्ट है वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर जिसका कलर कोड है येलो। आते देखते हैं कि ये जो पांचों टाइप का एक्सटिंग्विशर है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसको यूज़ कौन सा फायर में करना है और किस में नहीं करना है। तो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रोपिलेन टाइप होता है 55 ग्राम गैस कार्टिज। जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये दो तरह का होता है, एक होता है गैस कार्टिज से उसका प्रेशर मतलब अंदर का प्रेशर होता है और दूसरा है स्टोर्ड प्रेशर में उसको स्टोर किया जाता है। तो वाटर टाइप का प्रोपेलेंट टाइप है गैस कार्टिज। इसका कैपेसिटी है 9 लीटर, यानी कि इसमें 9 लीटर वाटर रहता है। इसका ऑपरेटिंग प्रेशर यानी जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका प्रेशर होता है 12.5 bar। डिस्चार्ज रेंज यानी कि जितना दूर ये जाएगा नोजल से, जो मतलब जब ये एक्सटिंग्विशर को यूज़ होगा उसका डिस्चार्ज होगा 6 meter। इसको हम लोग यूज़ कर सकते क्लास ए फायर में और यूज़ नहीं कर सकते क्लास बी और क्लास सी टाइप का फायर में, क्योंकि क्लास बी होता है लिक्विड और गैसियस फायर। लिक्विड और गैसियस फायर में अगर वाटर देंगे तो वाटर डिस्पर्स होने हो जाता है तो उसमें काम होता नहीं है। और क्लास सी फायर यानी कि लाइव इलेक्ट्रिकल फायर में हम लोग वाटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक खाने का चांसेस उसमें 100% है। अब दूसरा आता है कि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। इसका प्रोपिलेन टाइप होता है स्टोर्ड प्रेशर। इसका कैपेसिटी यानी कि फोम रहता है 9 लीटर। इसका ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है वो होता है 12.5 bar और इसका डिस्चार्ज रेंज होता है 4 meter। इसको हम लोग यूज़ कर सकते क्लास बी फायर यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड और फ्लेमेबल गैसियस फायर में, और इसको यूज़ कर नहीं सकते लाइव इलेक्ट्रिकल फायर यानी कि क्लास सी और क्लास के यानी कि किचन फायर में। अब आते हैं CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रोपिलेन टाइप क्या होता है स्टोर्ड प्रेशर। इसमें 5 kg कैपेसिटी का कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और इसका ऑपरेटिंग प्रेशर होता है 55 bar और इसका जो डिस्चार्ज रेंज है ये होता है 4 meter। और इसको यूज़ किया जाता है क्लास सी यानी कि लाइव इलेक्ट्रिकल फायर और क्लास बी यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड और गैसियस फायर में, और इसको यूज़ नहीं कर सकते और ये इनएफेक्टिव है क्लास ए यानी कि ऑर्डिनरी कॉम्बस्टिबल फायर में। अब आते हैं कि ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते हैं। तो उसका प्रोपिलेंट टाइप होता है 150 ग्राम ऑफ गैस कार्टिज। इसका कैपेसिटी जो है ए होता है 9 kg और इसका ऑपरेटिंग प्रेशर होता है 12.5 bar, लेकिन इसका डिस्चार्ज रेंज जो है ये ज़्यादा होता है 7 meter। इसको हम लोग यूज़ कर सकते क्लास ए बी सी फायर में,
देखेंगे आप नया जो एक्सटिंग्विशर आया है बहुत सारा, उसमें ए बी सी बी सी ऐसा लिखा हुआ रहता है। इसके मतलब है कि क्लास ए बी सी तीनों फायर में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर बी सी लिखा हुआ रहेगा तो बी और सी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आते देखते कि वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर क्या कैसा होता है। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रोपेलेंट टाइप होता है स्टोर्ड प्रेशर, उसमें 7 kg वेट केमिकल रहता है। और मोस्टली ये जो वेट केमिकल है ये DAP यानी डाई अमोनिया फॉस्फेट मोनो अमोनियम फॉस्फेट से बना हुआ रहता है। इसका ऑपरेटिंग प्रेशर जो है 12.5 बार होता है और इसका डिस्चार्ज रेंज जो है वो होता है 3 meter। और इसको हम लोग यूज़ करते किस में, क्लास के फायर यानी कि किचन फायर में। इसको छोड़ के और एक एक्सटिंग्विशर है जो है हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर, लेकिन वो अब यूज़ नहीं होता है। तो हम जो जो टाइप बोले फायर एक्सटिंग्विशर का, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप एलोंग विद फायर क्लासिफिकेशन और फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करते हैं ये मेथड आप जान गए तो एक छोटा फायर को आप बहुत आसानी से फायर एक्सटिंग्विशर से माध्यम से आप बहुत आसानी से उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, जो कि आपके लिए या फिर जो पूरा जहाँ पर आग लगेगा उसका चारों तरफ जो लोग है उसके लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक छोटा फायर एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेके आ सकता है। तो इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कैसे करें और क्या क्या टाइप होता है ये प्लीज़ आप लोग जान लेंगे तो आप लोगों के लिए ही भलाई होगा, आप लोगों का अच्छा ही होगा। हम फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करते हैं इसका मेथड रिलेटेड वीडियो लेते आऊँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेते आऊँगा आप वो देख पाए, और प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, लाइक करें अगर अच्छा लगा है तो वीडियो, कमेंट करें, शेयर करें मेरा वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टडी।